भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया के तहत री मैनेजिंग मीडिया इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बंसल न्यूज एट शरद द्विवेदी सहित वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे, साथ ही मृगेंद्र सिंह और प्रसून मिश्रा भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने तेजी से बदलते हुए मीडिया और उनकी चुनौतियों पर बात की, साथ ही पत्रकारिता के छात्रों के सवालों के भी जवाब भी दिए। अब सूचनाओं का केंद्र सूचना देने वालों ने, इंफॉर्मेशन देने वालों ने अपने हाथ में रखी। सर क्या आप कोई बड़ा फैसला करें तो मैं ये कर रहा हूं, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन अब ये सारी ब्रेकिंग न्यूज जो है ये नेताओं के या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से आती है। आपको इसको समझना होगा, ये मत समझिए आपको अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में, अपनी ताकत में, अपनी योग्यता में, तब आप आगे बढ़ पाए। कितने घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई, नहीं दी गई, ये सारी चीजें आपको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे मिल रही है। पहले इसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, तो अब मुझे लगता है, लेकिन जैसे आपने बोला कि री इमेजिनिंग मीडिया, तो मुझे लगता है कि जब आप री इमेजिनिंग मीडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें अमित आपको एक चीज और बात जोड़ना थी, री इन्वेंट जर्नलिस्ट। आपको भी अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग नई चीजों से कदमताल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी अगर वो मौका लें, वो सवालों में हम बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, माफ करना, उससे कोई बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। तो लोगों को उस हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अभी समय की जरूरत है बदलाव लाने का। उसके लिए क्योंकि आप लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि हमारे आनंद पांडे जी ने कहा, ये स्कूल में जो पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई आपको भविष्य में, आप अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं रहेंगे मेहनत के लिए, तो यहाँ की पढ़ाई उतना काम नहीं देगी। आप देखिए, हर रोज देखते होंगे समाचार पत्रों में, सबसे बड़ी बात कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, अब 24 आवर्स की नौकरी हो गई। आजादी के समय के दौर को देखें, उस दौर में उसका बाजार, उसका पर्पस अलग था। 70-80 के दशक में वो पूरा बदल गया, 90 का दशक अलग तरह से जिया, और जो 20 बाद के वास हैं, जो मना मैगजीन और ऑल दिस थिंग्स जो आप लोग कहते होंगे अपने को, उनको अलग तरीके से देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से 5 फैक्टर्स हैं। 1 इज द गिवर, लास्ट इज द कंज्यूमर, बीच में वो मीडियम, और उसको इम्पैक्ट करने के 2 फैक्टर हैं, दैट्स द बाजार और पर्पस।